हंसी आता है दोस्तों, क्या बोले देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग कुल के पास पहुंच चुके हैं और इसके अंदर में ही हम लोग हाथी उठी आ जाता है तो बचते हैं दोस्तों। हुआ है हानि हुआ है कि नहीं वो भैया जी बताएंगे, तो भैया जी थोड़ा कुछ। अभी तो थोड़ा बहुत हानि किया है और फिलहाल चल गए हैं यहाँ से। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है विलेज कपल ब्लॉग में। और ठंडा में दोस्तों तबीयत उबियत खराब हो रखा है, और क्या बताए दोस्तों। और दोस्तों उधर छोटू खेल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है हमारी दीदी। तो दोस्तों आज हमारा तबीयत उबियत खराब हो रखा है तो हम आज काम वम नहीं कर रहे दोस्तों, और हंसी आता है दोस्तों क्या बोले देख सकते हो। गांव आसपास किसी को भी वीडियो वीडियो बनाओ ना दोस्तों, तो वो सबसे पहले हंस देता है यार, हंसी इतना आता है ना सबको, वीडियो देख के ही हंसी आता है, कैमरा देख के ही, क्या बताए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी घर से इधर आ चुके हैं बाहर अभी के साथ में, और इधर भाई लोग आया है गाँव का ही है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं, मतलब आजकल धान उन पक गया ना दोस्तों, तो हाथी सब आते रहता है, उस सब का आतंक है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं यही पास, एक तो कलवट है ना दोस्तों, कूल है, तो उसमें सरवाइव करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी बस पहुंचने ही वाले हैं, यही पास है कूल दोस्तों। और रात अंधार को आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों, मतलब कि घर उर को तोड़ तार देता है। तो ये सर्वाइव करने के लिए कूल कलवट बहुत ही बढ़िया जगह होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अभी कूल के पास पहुँच चुके हैं, और कूल के पास पहुँचते ही ये भैया जी मिल गए हैं। तो इन्हीं के खेतों खेत में गुजर के पार हो गए हैं हाथी सब। तो दोस्तों ये भैया जी बताएंगे कि इनको इनका खेत को मतलब क्षति हुआ है हानि हुआ है कि नहीं, वो भैया जी बताएंगे। तो भैया जी थोड़ा कुछ। अभी तो थोड़ा बहुत हानि किया है और फिलहाल चल गए हैं यहाँ से, बहुत दूर गया है उधर तरफ। तो दोस्तों उधर आगे जंगल है तो उस तरफ घुस गए हैं हाथी सब दोस्तों, और पार हो गया है ना दोस्तों खेते खेत। तो धान उन सबको खून दिया है, उतना ज़्यादा तो हानि नहीं हुआ है, पर कि खून खान दिया है तो थोड़ा सा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऐसा मतलब इधर इधर पार हो गया है ना दोस्तों, तो पूरा धान उनको गिंज गांज दिया है, झड़ा उड़ा दिया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो ऐसा इधर से पूरा पूरा गिंज गांज के झड़ा झुड़ू के पार हो गया है। आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, ये पास भी देखिए दोस्तों, ऐसा ऐसा कर दिया है दोस्तों चल के, पूरा सत्यानाश। तो दोस्तों हम लोग कूल के पास पहुंच चुके हैं, और छोटू भी पहुंच चुका है। हाय कर दो छोटू एक बार। हाँ तो दोस्तों छोटू हाय बोल रहा है, और इसके अंदर में ही हम लोग हाथी उठी आ जाता है तो बचते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं, इसके अंदर में पूरा घुस जाते हैं दोस्तों, हाथी उठी आ जाता है। तो दोस्तों यही है कलवट और कूल, तो जिसमें हम लोग बचते हैं दोस्तों हाथी उठी आ जाता है। तो और यही पास नजदीक में ही घर है, आपको दिखाते हैं दोस्तों, वो दिख रहा है ना दोस्तों वो घर कलवट, जो कि हाथी आने पर से सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छा और सेफ जगह है दोस्तों, कलवट कूल जिसे बोलते हैं हम लोग। और दोस्तों इसके अंदर में घुस जाते हैं हाथी उठी आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बहुत बढ़िया जगह बचने के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरह से कूल का अंदर का नजारा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो छोटू उधर अंदर में घुस चुका है, ये गाँव का भाई लोग है, और हाय गाइज बोल रहा है वो दोस्त, गांव का ही है दोस्तों। तो हम लोग इसी के अंदर में छिप जाते हैं, हाथी उठी आ जाता है रात को आ जाता है तो घर उर तोड़ देता है दोस्तों। तो ये बचने के लिए सबसे सरवाइव करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है कूल कलवट होता है दोस्तों, तो इसी में हम लोग छिपने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों यही है हम लोग का कूल और कलवट, तो रात में हाथी सब आ जाता है तो इसी में छिप जाते हैं दोस्तों। और घर का बात करें तो यही पास नज़दीक में है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।